आज की जो बाइक्स की रैली थी, ये दरअसल नौजवानों के अंदर जो आयशा के वाकये के बाद बहुत जोश और जज्बा नौजवानों के अंदर जागा हुआ है, उसको उसका फ़ायदा उठाते हुए इनको यहाँ मीडिया प्लस पे जमा किया गया था। लड़के लड़कियों ने काफ़ी गर्मजोशी दिखाई बाइक से, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए डायबिटीज के खिलाफ, आपने स्टिकर तो बताए होंगे जो बहरहाल असल जो बुनियाद है वो ऐसी शादियों का दावतनामा एक्सेप्ट करना। जब तक के लोग ऐसी शादी के दावत नामों को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हराम माल खाते रहेंगे, नाजायज माल खाते रहेंगे, सबसे बड़े मुजरिम इस दौर के वो हैं, जो उसको मोहतरम जनाब सज्जाद नोमान नदवी साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि सबसे बड़े कमीने तो वो लोग हैं जो खुशी से लेने लेने वाले, ये जो खुशी से दावतें कर रहे हैं इनकी वजह से माशरा बिगड़ रहा है। बस ये नौजवानों से हमने आज कह लिया है कि आज के बाद से किसी ऐसी शादी का दावतनामा एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। जो लोग खुशी से देने लेने को जायज़ करते हैं, जो लोग उधार मेहर को जायज़ करते हैं, उन लोगों से एक सवाल है कि जब किताबुल्लाह किताबुस सुन्ना में नहीं है तो इसको जायज़ किसने किया? ये नौजवान नस्ल आज आपसे पूछ रही है, आपने जायज़ किस बुनियाद पर किया? मेहर नफ़ अदा करने के बाद फिर लड़की से कुछ लेना जायज़ नहीं, वो मेहर की तारीफ में नहीं है, मेहर वाजिब है, उसके बाद औरत को हाथ लगाना जायज़ नहीं है अगर आपने मेहर अदा नहीं किया। और अगर किसी ने 11,000 अदा किया और 11 लाख की शादी दी तो उसने मेहर की जो असल मकसद था उसको ख़त्म कर दिया। वो निकाह हलाल है या हराम ये उलमा सोचें, जिन्होंने इजाज़त दी है ऐसी शादियों के खुशी से देने लेने के जायज़ होने की। थैंक यू। अच्छा, आज सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से ये सारी रैली थी और इंशाल्लाह आप आइंदा एक महीने में ऐसे कम अज़ कम 10 रैली और देखेंगे इंशाल्लाह। आपके नाम के साथ सोशल का क्या मतलब? मैं सोशल रिफॉर्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, अब्दुल बारी इसके सेक्रेटरी हैं, हाफिज शेख हुसैन, जनाब अजमतुल्लाह खान साहब, मोहतसिम, मैं तो डॉक्टर अलीम खान फलकी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खर्चा है उसमें जुमा गया है, मैं ऐसी शादी में शिरकत नहीं करूंगा, अल्लाह को गवाह बनाकर। आप लोग हजारों मसाइल हजारों सोल्यूशन लाइए, इस सोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज में है, अल्लाह के नबी की सुन्नत कायम करो। इससे हटके जितने भी सोल्यूशन लाएंगे वो नाकाम होंगे। अल्लाह के नबी की जो सुन्नत नमाज की है वो नमाज पढ़ो, वजू की जो है वजू करो, निकाह की जो सुन्नत है निकाह करो। और ऐसा आदमी जो ऐसा निकाह नहीं करना चाहता, मैं उसकी शादी का दावतनामा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसको जबान से बोलूंगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा। वो सब कुछ उन बेइज्जत लोगों ने उस बाइज्जत रसूल के साथ किया था। तो जब गए वापस आए हकीम में सो रहे थे, एक रवायत है कि अपनी फूफीजाद बहन के यहां सो रहे थे, एक रवायत है कि हजर में सो रहे थे, मगर टूटे हुए 70,000 फरिश्तों के साथ एक सवारी कुरान लेकर मक्के की धरती पे नाजिल होते हैं और कहते हैं ए मुस्तफा
जमाने में तो आपको नहीं पहचाना, आइए चलिए हर सवाल बेताब है आपकी इज्जत करने के लिए। इस जमाने में तो आपको पत्थर मारा है, अर्श के फर्श पे आप पर फूल बरसाने लगे, आला में रहती है या रसूल अल्लाह आपके ऊपर दरूद सलाम के गुलदस्ते बिछावर करने के लिए तैयार है। मुस्तफा उठिए, रब ने आपको बुलाया। जब इतना टूट गए मुस्तफा तो रब्बुल आलमीन ने दिल जोई का फिर बोला पढ़िया। कुरान करीम कहता है मेरे हबीब ये आपको गाली मेरी वजह से दे रहा है, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। हजरत ये था वो खो चुका मंजर जिसमें मेराज की नवेद मसर्रत रसूलुल्लाह को सुनाई गई। मैंने सोचा कि पहले जरा मैं आपके सामने तारीख का पस मंजर रख दू। अब मेराज में समझने के लिए हमारे सामने तीन हिस्से हैं। दूसरी है मेराज और तीसरी है एराज। बंदे को रात के एक कलील हिस्से में मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तैरम मिनल मस्जिद हराम इल मस्जिद अक्सा, बाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रात के एक मुख्तसर हिस्से में मस्जिद तक। ये जमीन का सफर कुरान करीम ने बयान किया। चिपक करके रह गया है नालैन पैर से, चिपक करके रह गया है, मुर्दा समझ करके जालिमों ने छोड़ा। एक बात अर्ज करूं आपसे, हुजूर से पहले के अंबिया की निगाह की तारीख पे निगाह डाल लीजिए। हजरत आदम आए हैं हिंदुस्तान जैसी सरसब्जो शादाब जमीन, इंडिया में उतारे गए थे, सरांदीप में उतारे गए थे जो जमाने में हिंदुस्तान का हिस्सा था। जनाब नूह अलैहिस्सलाम बहारों की जमीन पे आए, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहारों की जमीन पे आए, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम बहारों की जमीन पे आए, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बहारों की जमीन पे आए, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, जुमला अंबिया बनी इस्राइल बहारों की सरजमीन पे आए, सरसब्ज़ो शादाब जमीन पे आए, दजला और फरात के दोआबे पे आए, इराक के नखलिस्तानों में आए हैं। मगर मेरे मुस्तफा को जब रब ने भेजा, अपने हबीब को जब रब ने भेजा तो दोआबे पे नहीं भेजा, सहरा में भेजा। अपने हबीब को जब भेजा तो पहाड़ों की जमीन पे नहीं भेजा, बंजर धरती पे भेजा, पत्थरों की जमीन पे भेजा। और फिर कैसी पत्थरों की जमीन, जमीन भी पत्थर की, लोग भी पत्थर के, उनके दिल भी पत्थर के और उनके हाथों में भी पत्थर हम देख रहे हैं। टाइप की सजमीन पर मेरे आका लहुल हाथ इतने दुख के साथ हुजूर मक्का वापस आ रहे हैं। अब मसला यह है कि मक्का वापस आ तो रहे हैं, चचा अबू लहब है, कबीले का वाली और वारिस है, हुजूर को की किफादत करने से उसने इनकार कर दिया है। कबीलों का तरीका यह था कि आप अगर शहर से बाहर चले गए तो अब शहर में आने के लिए किसी की पनाह चाहिए आपको, वरना अगर आप कत्ल किए गए तो कोई जिम्मेदार नहीं है आपके कत्ल का। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं, किसी की कफालत में मक्के में आना है। हुजूर इतने रंजीदा थे, इतने दुखी थे, इस कदर गम और अलम से चूर थे रसूल कि एक मरतबा सैयदा आयशा ने रसूल पाक से पूछा था कि मेरे सरकार आपको सबसे ज्यादा तकलीफ, कब पहुंची और कहां पहुंची? हुजूर ने फरमाया आयशा आज भी ताइफ वालों के को कबूल फरमा, हम लोगों की आमीन को कबूल फरमा, हम मुसलमानों को मेराज वाले आका के सदके में सही बानों में मुसलमान बना दे। या अल्लाह मेराज की नेमत नमाज को सीने से लगाने की तौफीक अता फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भाई बिरहमतिक या रसूल।
सलामत या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह रहमतों के ताज वाले दो जहां की राज वाले अर्श की मेराज वाले लाज वाले या नबी نعوذ برضاك من سخطك وفي عفوك من عقوبتك ونعوذ بك من لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب العالمين يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا واعفنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا خبي يا متين اكفنا شر الظالمين يا خبي يا مولانا محمد المصطفى والمجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبناته وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.